आप सभी का फिर से मेरे चैनल अन्नपूर्णा सर्वेश्वरी सुमन की रसोई में स्वागत है। तो आज हम लोग आलू पकौड़ा कढ़ी बनाने जा रहे हैं। तो हमने पहले यहाँ पे आलू को उबाल के और छील लिया है। तो यहाँ हमने 5 आलू छोटे छोटे थे हमने उबाल लिए हैं इसका पकौड़ा बनाने के लिए। तो इसको हम लोग पहले इसको मिस लेंगे अचोखे की तरह, इसके बाद हम इसको भूनना होगा। तो हमने यहाँ पे इसे मैश कर लिया और हमने गैस पे कढ़ाई भी रख दी। हमने यहाँ पे पहले ही गैस पे कढ़ाई रख ली थी, तो हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है। तो उसमें हम हल्का सा ऑयल डाल देंगे। इसमें हम अपना सरसों का थोड़ा सा इसमें तेल डालेंगे, क्योंकि हमको आलू का जो पकौड़ा बनाना है उसको पहले थोड़ा भूनना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको सामग्री चाहिए। जीरा ले लिया है और ये इस कढ़ी को तड़का मारने के लिए हींग और मेथी दाना लिया है। तो ये जीरा का हम पहले जीरा डाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे से जीरा यहाँ पे डाल दिया है। हाँ, यहाँ पे हमने जीरा डाल दिया है। इसके बाद इसमें मिर्च डाल देंगे। हाँ, आप और इसका जो फ्लेम है उसको कम कर लेते हैं। और इसमें आप प्याज वगैरह भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने मिर्च डाल दिया। यहाँ पे हम हल्दी धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा इसमें हम गरम मसाला भी डालेंगे और हल्दी हल्का सा डालेंगे। हमने सबको डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च अपना पाउडर भी तेल गर्म में डालेंगे। बहुत ज़्यादा तेल हमको नहीं भी गर्म करना है। फिर इसके बाद हम इसमें अपना ये जो मैश किया है आलू हम सब डालेंगे, क्योंकि हमने मसाला इसलिए पहले भुजा है क्योंकि आलू उबला हुआ है। तो आलू में ये डालने पर ऊपर से अच्छे से मसाला भून ही सबको भून लिया है। और इसमें हम लोग पकौड़े में थोड़ा सा चाट मसाला भी डालेंगे, जिससे चटपटा होगा हमारा। हमने थोड़ा सा इसमें पकौड़े में चाट मसाला, आपके पास अगर चाट मसाला हो तो आप खटाई भी अगर इच्छा हो तो डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, क्योंकि हमें इसके बेसन जो घोल के हमको छानना है उसमें भी हमको नमक डालना है और कढ़ी में भी डालना था। थोड़ा अपना सब स्वाद अनुसार ही नमक इसमें डालना होगा। तो हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। इसको ठंडा होने के बाद हम लोग बिल्कुल गोल गोल पकौड़े का शेप दे करके इसको बेसन में तलेंगे। फिर निकाल लिया इसे दूसरे बर्तन में। अब जो बेसन है उसका घोल तैयार करेंगे। तो देख लेते हैं उसमें हमें क्या क्या सामग्री लिया है। यहाँ हमने गरम मसाला थोड़ा सा लिया है और हल्दी पाउडर लिया है, धनिया पाउडर लिया है और यहाँ पे जीरा है, मेथी है और हींग है हमारा, लाल मिर्च पाउडर है, नमक है और ये हमारा थोड़ा सा चाट मसाला है, जिसको कि अगर कढ़ी में डालना होगा तो जिसको इच्छा हो डालेगा। तो हम जैसे बनाएंगे आप लोग देखिएगा। तो यहाँ हमने एक बर्तन में अपना बेसन निकाल लिया है। हमको घोल बनाना है पकौड़ा छानने के लिए। हमने बेसन ले लिया है अपने घोल तैयार करने के लिए। इसमें हम स्वाद अनुसार हल्का सा नमक डालेंगे। फिर मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूंगी, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला इसमें भी डालूंगी, बेसन में भी अपने टेस्ट इसका अच्छा आएगा। और यहाँ हल्दी पाउडर भी डालूंगी इसमें भी और लाल मिर्च पाउडर डालूंगी और इन सब का हम घोल बना लेंगे अपना पकौड़ा छानने के लिए। तो यहाँ हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अपना घोल अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसका घोल बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए हमारा। यहाँ पे हमने बेसन का घोल तैयार कर लिया है और इसे हमें ज्यादा पतला नहीं करना है। यहाँ हम लोग इसकी गोल गोल लोइया बिल्कुल ऐसे बना लेंगे गोल गोल। इसको हम लोग उसमें बेसन के घोल में लपेट लपेट के छान के निकाल लेंगे। हमने गैस पे कढ़ाई रख दिया है और इसमें तेल भी डाल दिया है। तो इसको सरसों के तेल में बनाएंगे, क्योंकि सरसों के तेल में बनाना और बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ हम अपना इसको अच्छे से इसमें लपेट लेंगे और बिल्कुल इस पे ये हमारा चढ़ जाना चाहिए। तो गाढ़ा रहेगा तो अच्छे से चढ़ेगा, पतला रहेगा तो इस पे घोल नहीं चढ़ेगा। तो यहाँ पे हमारा तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसमें हम इसे डाल देंगे। और ऐसे इसको हम लोग पूरे आलू पकौड़े को हम लोग इसमें ऐसे ही डाल डाल के हमने सब अपने पकौड़े को बेसन में लपेट के इसमें बेसन से लपेटा हुआ हमने छान लिया है। अब हम अपना बेसन का ग्रेवी बना करके अपनी कढ़ी को छौंकेंगे इसमें। तो हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे।
हमने यहाँ पे सारे आलू पकौड़ों को बिल्कुल, जो कि हमने कढ़ी पकौड़ा लपेटा था बेसन वो बचा हुआ है, तो वही मसाले वाले में थोड़ा सा और बेसन घोल के हम अपना कढ़ी का घोल तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा हमने इसमें और बेसन को बढ़ा दिया है और इसमें हम लोग हल्का हल्का पानी डाल के इस बेसन के घोल को अच्छे से तैयार कर लेंगे, जो कि हम कढ़ी में तड़के में तड़के के बाद इसके बेसन को उसमें डालेंगे। दिया और इसमें तेल भी डाल दिया, तेल तो बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें हम डालेंगे मेथी दाना, जीरा और हींग, जो कि हमने पहले से ले लिया है। अब इसको हम डाल देंगे कढ़ी में बिना हींग के, अच्छी लगेगी। इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे, जब हमारा थोड़ा सा लाल हो जाएगा तो इसमें हम लोग कढ़ी पत्ता डाल देंगे, इसमें सूखी दो तीन लाल मिर्च डाल देंगे और इसके बाद हम लोग इसे थोड़ा सा चला लेते हैं अच्छे से। फिर इसमें हम लोग डालेंगे दो टमाटर, जो कि हमने काट लिया है, तो ये हमारा अब सब लाल हो गया तड़के का। इसमें मैंने टमाटर देखा, मैं उसको डाल दूँ और उसको अच्छे से हम लोग भून देंगे। टमाटर भून रहे हैं तो इसमें अभी मसाला डाल देंगे। इसमें हम हल्दी डाल देंगे अपना, बेसन की जो कढ़ी डाली है, और इसमें थोड़ा सा अपना नमक डालेंगे और इसमें बाद में हम थोड़ा इसको, जब हमारा टमाटर गल जाएगा तो थोड़ा सा आमचूर डालेंगे क्योंकि खट्टी, और अगर आपके पास दही है तो आप दही भी डाल सकते हैं। हमारा अच्छे से टमाटर का पेस्ट तैयार होगा। अब इसमें थोड़ा सा हम जो कि हमने बेसन के घोल में डाला था, अपने आलू वाले में, आलू के पकौड़े में डाला था, हल्का सा गर्म मसाला थोड़ा सा डालेंगे इसमें, इससे इसका टेस्ट बहुत सुंदर आएगा। और अगर आपकी इच्छा तो हम धनिया पाउडर डाल सकती हैं, तो हमने भी इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल ही दिया है। और यहाँ पे अब मैं इसमें थोड़ा सा आमचूर डालूँगी, जो कि हमारा, आप चाट मसाला भी डाल सकती हैं, तो हमने इसको अब डाल दिया है। अब हमारा बिल्कुल अच्छे से इसका पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसमें जो मैं रखी हूँ अपना बेसन का घोल कढ़ी का, अब मैं वो डालूँगी। यहाँ सब हमारा भून चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें बेसन का अपना घोल डाल रही हूँ। घोल हमारा पतला मोटा जितना गाढ़ा जितना करना है हम इसको करना है उतना कर लेंगे। और अच्छे से इसको अब हम तीन उबाल आने तक, क्योंकि कढ़ी कहा जाता है कि तीन उबाल आती है तो पक जाती है, तो हम अपनी कढ़ी को अच्छे से तीन उबाल आने तक इसको चलाते रहेंगे, बीच में कढ़ी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये गाढ़ा बनने के बाद नीचे लगती भी है। और आज तो दशहरा का दिन है और दशहरे में दाल चावल कढ़ी फुलौरा हमारे गाँव में बनता है, तो इसीलिए हमने आज चटपटी और पकौड़े वाली कढ़ी बना रहे हैं, आप लोग भी जरूर बनाइएगा। अब यहाँ पे हमारी कढ़ी धीरे धीरे उबाल पे आ रही है, देख सकते हैं नीचे से। अब इसमें नमक डालेंगे, नमक हम लोग बाद में इसलिए डालते हैं क्योंकि बेसन हमारा फटता नहीं है, अगर नमक पहले डालते हैं तो हमारी कढ़ी फटती है। तो अब मैं, हम देखिए उबाल हमारे कढ़ी में आ रहा है, तो हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। एक और बात मैं बताना आप लोगों को भूल गई, अगर जो लहसुन और लहसुन वगैरह खाते हैं तो उस इसमें हरी मिर्च और लहसुन इसके डालने से और इसका टेस्ट ज़्यादा बढ़िया बन जाता है, लेकिन हम लोग लहसुन और प्याज इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि अभी नवरात्रि का आज 10वां दिन है, तो इसीलिए हम लोग बढ़िया सा आलू पकौड़े की टेस्टी कढ़ी बना रहे हैं। यहाँ पे हमारी कढ़ी तीन उबाल आ चुकी है बढ़िया से, और हमारी कढ़ी भी बन चुकी है एकदम तैयार है। तो जो हमने ये पकौड़ा बना के रखा था कढ़ी पकौड़े के लिए, तो इसमें हम अब डाल देंगे, और डालने के बाद इसको हम लोग उबालेंगे नहीं क्योंकि ये बिल्कुल पका और बना तैयार है, इसमें डाल देंगे। ये मात्र इसकी गर्मी और इसके जो कि बन चुका है इसमें पक जाएगा तुरंत से। देखिए हमारी कढ़ी बिल्कुल ऊपर आ रही है, बन चुकी है, इसमें हम लोग डाल देते हैं कढ़ी। कढ़ी पकौड़ा बिल्कुल अच्छे से इसमें हो गया है, हमारी कढ़ी भी बन चुकी है, तो अब हम अपना फ्लेम बंद कर देंगे और इसको चावल के साथ हम लोग आज जैसे